की जय। ये भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर पूरे भारतवर्ष का सबसे ऊंचाई का शिवालय है। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये मंदिर पांडवों के मोक्ष काल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव ने पांडवों को इस केदारखंड में अलग अलग स्वरूप के दर्शन दिए हैं। उनमें से केदारनाथ पहले हैं, वहाँ पे भगवान शिव का पृष्ठभाग का लिंग है। दूसरे मधुमेश्वर नाभिभाग का लिंग वहाँ पे भगवान केदारनाथ जी का। तीसरे भगवान तुंगनाथ जी में केदारनाथ जी का हृदय और भुजा स्वरूप यहाँ पे दर्शन होता है। चौथे रुद्रनाथ जी में मुख स्वरूप का दर्शन होता है। पांचवें कल्पेश्वर में भगवान शिव का जटा का स्वरूप का दर्शन होता है। उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने 1200 वर्ष पहले इन मंदिरों को खोजा और पूरा इनका निर्माण कराया और पूजाएँ चलाई, तब से ये चला आ रहा है। यहाँ का जो दृश्य है, प्रकृति का सौंदर्य, यात्री जो एक बार यहाँ पे आता है, दो बार तो आता ही है, न जाने कितनी बार आता है। यहाँ से चार धाम का हिमालय सामने दिखता है। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला चोटी है, जहाँ से यात्रियों को 3 भाग में पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं। और ये भगवान तुंगनाथ जी का जो गद्य स्थल है मक्कूमठ में है, वहाँ पे मृकंड ऋषि की तपस्थली है, 12 महीने वहाँ पे पूजा हुआ करती है। और विशेष करके स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि यहाँ पे आकाश गंगा निकलती है, जो मंदाकिनी की धारा है। इसमें सप्त ऋषि ने तपस्या करके इस गंगा को उत्पन्न किया है। इस गंगा के तीर पे यात्री लोग अपने पितरों के निमित्त पिंड तर्पण आदि क्रियाएं करते हैं और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। और सभी भक्त लोग यहाँ पे जो है आकर के बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। और जो एक बार आता है, न जाने कितनी बार आता है, ये भगवान तुंगनाथ जी का दृश्य है।